तो दोस्तों स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में, जिसमें हम लोगों ने BHUBT को अच्छे से एक्सप्लोर किया। तो आप वीडियो को पूरा अच्छे से एंजॉय करिए और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अपकमिंग वीडियोस के अपडेट के लिए। थैंक यू। और इस समय इवनिंग टाइम है और अभी BT जा रहे हैं नाथ जी के टेम्पल का मेन गेट है। उनका ये सब लिखा हुआ है कि कब से कब तक महामना, क्या ही मस्त लग रहा है। देख सकते हैं ये था महामना पंडित मदन मोहन मालवीय 1800। मेन गेट था ये टेम्पल के लिए, मेन गेट है। थोड़ा लाइट है तो इसीलिए ज़्यादा थोड़ा कि नंद जी के कान में बोलने से आपकी जो भी इच्छाएँ रहती है वो पूरी हो जाती हैं। हरबुलस बनाया गया है और इसकी हाइट तो बहुत ही ज़्यादा है, शायद काफ़ी ज़्यादा शांत आया। तो और भीड़ आ गई है और हम लोग का हो गया दर्शन। तो गाइस आज एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम दिए दिए है यार। और इस समय इवनिंग टाइम है और अभी BT जा रहे हैं, तो उसे आप देख सकते हैं उधर भोलेनाथ बाबा शंकर के, जो कि बहुत ही प्यारा सा मंदिर बना। तो इधर आप BT जा रहे हैं, मिल रही यहाँ पे हमेशा भीड़ ही रहती है। इधर भी इधर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा आते जाते रहते हैं। और इधर कुछ खाने वाला जैसे इधर दुकानें हैं, इधर भी बहुत सारी दुकानें हैं, ATM है और भी कई चीज़ें हैं यहाँ पे। देखिए मतलब कोई अपने यहाँ के नहीं, साउथ के भी बहुत लोग और बहुत ज़्यादा फॉरेनर भी आते हैं घूमने के लिए। तो यहाँ पे अब देख सकते कि कई सारा कैफेटेरिया बना हुआ है कोल्ड ड्रिंक के लिए। और फिर ये विश्वनाथ जी के टेम्पल का मेन गेट है, यहाँ वही है बाबा विश्वनाथ। BHU के अंदर बनाया गया है BHU नर्सरी से, उनके ऊपर ये स्टार, क्या ही मस्त लग रहा है। देख सकते हैं ये स्टार और ये टेम्पल बहुत ही खूबसूरत सा है। तो वो कोई प्लैनेट है, वीनस होगा या फिर हाँ जहाँ तक वीनस ही होगा। इधर जब एंट्री करेंगे तो इधर एक छोटा सा टेम्पल, उसके बाद पूरा गार्डन है। गार्डन आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा गार्डन है, इधर भी है और इधर भी बहुत बड़ा गार्डन है। और फिर जब आप सामने चलेंगे तो यहाँ पे मदन मोहन मालवीय जी की, महामना जी की मूर्ति बनी है। इस पर उनका ये सब लिखा हुआ है कि कब से कब तक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय 1846 तक उनका पूरा लाइफ स्पैन था। उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया जो उसमें कुछ लिखा गया है। इनके मस्त अच्छी वाली मूर्ति, उसके बाद ये तो मेन गेट है भाई, यहाँ से एंट्री होगी मेन टेंपल के लिए। क्यों मेन गेट था ये टेंपल के लिए मेन गेट है। देखिए काफ़ी अच्छा ग्राउंड है, अभी तो एंट्री कर रहे हैं। एंट्री मतलब वैसा ज़रूरी नहीं कि चप्पल निकाल के जाओ, अंदर भी निकाल सकते और जा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं और ये है बाबा विश्वनाथ। BHUBT इसी को कहते हैं भाई। यहाँ पे भी माना जाता है कि कुछ ना कुछ जो बाबा विश्वनाथ का वो पार्ट था यहाँ पे रह गया था, तो इसीलिए ये बनाया गया। महामना जी ने मतलब जब यूनिवर्सिटी बनी उसी के साथ या उसी के कुछ समय बाद इसको बनाया गया था। इधर हो गया ये और फिर आप इधर देख सकते हैं कि इधर पूरा बढ़िया से
गार्डन अंदर भी बहुत अच्छा बनाया गया, तो पूरा घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जहाँ घूम सकते हैं। एकदम मस्त का गार्डन इधर भी है और इसके अपोजिट साइड भी बहुत अच्छा सा गार्डन है, तो पूरा घूम सकते हैं। ये मेनली ये अभी इधर से आप टेंपल को देख सकते हैं, बहुत ही मार्वलस बनाया गया है और इसकी हाइट तो बहुत ही ज़्यादा है, शायद आप बहुत दूर दूर से ये हाइट दिख जाती है। और लाइटिंग तो इतनी अच्छी कर दी गई है कि टेंपल काफ़ी ऑसम लग रहा है। और इधर पूरा सब लोग इवनिंग टाइम में BHU के स्टूडेंट्स भी और बाहर के भी कई लोग आके सब आराम से रेस्ट कर रहे हैं। हाँ यही अभी हो रहा है। अभी और दिखाते हैं आपको थोड़ा ऊपर चल के कि कैसा ऊपर से व्यू आता है, बट यही है कि यहाँ से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये जगह बनाया गया बैठने के लिए, इधर सब पेड़ और बहुत अच्छे अच्छे, पूरा एकदम नेचर युक्त है पूरा अपना। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, एकदम शांति भी है, शोर होते हुए भी बहुत ज़्यादा शांति है, और यही तो इसकी खूबसूरती है। एकदम काफ़ी अच्छा सा बना है। अब एक बार इसका व्यू देखिए साइड से, कितना खूबसूरत है ऊपर तक का, पूरा काफ़ी ऊपर तक का है, और फिर इधर नीचे और पीछे, और ऐसे ही पीछे तक पूरा बनाया गया। तब तक गाइस आप इस म्यूजिक का आनंद लीजिए, हम आपको फास्ट फॉरवर्ड में पूरा पीछे से घुमा के अपोजिट साइड में मिलते हैं। मेन टेम्पल सामने है, सामने अभी हम जाएंगे, उधर से घूम के आएंगे, तो ये अभी नहीं जा सकते। इधर पीछे का एरिया कुछ ऐसे खाली रखा गया है, थोड़ा बहुत कुछ बनाया गया है और ज़्यादातर खाली एरिया रखा गया है। ऊपर का एरिया काफ़ी अच्छा है, और फिर इधर नीचे का तो ऐसे ही खाली छोड़ दिया गया है, लेकिन हाँ गार्डन है, फ्लावर है, और अच्छे से ये फूल का ये लगाया गया है पूरा बाउंड्री साइड। और हर हर महादेव का जयकारा सुन ही रहेंगे शायद, अगर आप अच्छे से जा रही हो अंदर पूरा। इधर से देखिए, इधर से भी आ रहा है थोड़ा बहुत, इधर से एकदम भगवान शिव की उसमें डूबे हुए भाई। ये तो है काफ़ी ज़्यादा ये पावरफुल प्लेस है। इधर थोड़ा अंधेरा, अब शाम हो गई इसी वजह से दिख रहा है, लेकिन तब भी यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी व्यू अच्छा है। अभी हम लोग अपोजिट साइड आ गए हैं, दूसरे साइड मंदिर के इस साइड। इधर से मंदिर देख सकते हो, इधर हमें काफ़ी सारे श्रद्धालु लगे हुए हैं। यहाँ नंदी जी की मूर्ति है, उनसे विशेष मांगी जा रही है। माना जाता है कि नंद जी के कान में बोलने से आपकी जो भी इच्छाएं रहती है वो पूरी हो जाती हैं। और फिर इधर का यही व्यू है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम नेचुरल इन्वायरमेंट पे भी ध्यान देते हुए मंदिर बनाया गया है। अभी तो काफ़ी खूबसूरत मून का व्यू भी आ रहा है यहाँ से, बाहर भी इधर से लाइटिंग काफ़ी अच्छी करी गई है। लाइटिंग बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से करी गई है, सारा कुछ बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बनाया गया। बहुत ही काफ़ी खूबसूरत यहाँ से व्यू आ रहा है, इसको आप लोग देख के एंजॉय कर सकते हैं। बहुत लोग हैं कॉलेज के आउटसाइड, सभी लोग फुल अपना एंजॉय कर रहे हैं। इधर खुला फ्लावर्स भी लगाए गए हैं, लाइटनिंग भाई, फोटो वोटो खिंचाने की प्लेस अच्छी है। अंकल जी फुल अच्छे से फोटो खिंचा रहे हैं। इधर से एक टेम्पल की फोटो ले लेते हैं और अब चलते हैं। यही था आपका आउटर एरिया, आप इनर एरिया की आप दिखाते हैं आपको गाइस। तो ये मंदिर के अंदर जाने का मेन गेट है, और यहाँ से मतलब मेनली आप जैसे क्रॉस करेंगे आप मंदिर के अंदर ही होंगे। यहाँ से आप
आगे कुछ चलना पड़ेगा तो अभी चलते हैं आगे, क्योंकि काफ़ी आगे थोड़ा बनाया गया है, पूरा ओपन एरिया है, बहुत शांत एरिया है, यहाँ पे कई चीज़ें होती हैं, बैठ सकते हैं आराम से, रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शांति वाली ऐसा जगह फील होती है, शोर होते हुए भी शांति रहती है। यहाँ पे कई चीज़ें को पोर्ट्रेट किया गया है, दर्शाया गया है, पता नहीं कई स्पिरिचुअल चीज़ों को है। अभी हम लोग नीचे से चलेंगे ऊपर, क्योंकि ऊपर का भी ध्यान के साथ लाइट लगी हुई है, ऊपर का तो काफ़ी अच्छा है। थोड़ी बहुत चीज़ें लगाई गई हैं, अच्छी चलेंगे। आप इधर ऊपर का भी आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप इधर मंदिर के एकदम फ्रंट का व्यू देख सकते हैं। यहाँ पे साउंड रखा गया है कि कभी कभी भजन होती है इसे तो लगाते गाने गाते हैं। यहाँ पे एक सामने भगवान शिव की टेम्पल है। उसके बाद इधर का एरिया काफ़ी अच्छा है और ओपन भी बनाया गया है इधर देवी टेम्पल में, और फिर कई जगह पे शायद वही देवी जी की टेम्पल है। अच्छा लग रहा है देखने में सारा कुछ, और काफ़ी एक शांति टाइप की फील होती है और स्पिरिचुअल टाइप भी लगता ही है। अब इधर का आप देख लेते हो एकदम ओपन एरिया, इधर से फिर मंदिर का भी काफ़ी अच्छा आता है, मंदिर के ऊपर चढ़ते यहाँ से काफ़ी ऊपर है तो इधर का भी रहा। और फिर इधर गार्डन का एरिया, इधर हम ऊपर नीचे घूम चुके हैं, गार्डन का एरिया ये सब अच्छे से दिखता। तो इस टाइम मैं ये कह रहा था कि काफ़ी अच्छा लगता है भाई, चाहे जब आप घूमेंगे बीएचयू बेटी को तो एक अलग प्रकार का एक मनमोहक और शांति वाला माहौल मिलता है। और आप ये वीडियो यहीं तक रही दोस्तों, मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये आगे देखिए कि एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। प्लीज सब सर, आई वांट टू रीच 1,000,000 लाइक्स, सो प्लीज सर पकड़ा सर पकड़ा सर पकड़ा सर पकड़ा सर पकड़ा है।